नमस्कार, मैं कविता ठाकुर स्वागत करती हूँ लाइफ 100 न्यूज में। आइए हम नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खास खबरों पर। कांग्रेसियों का किया जा रहा उत्पीड़न प्रियंका गांधी। आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने सुल्तानपुर दौरे के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा उत्पीड़न किए जाने की बात जानकर अचानक अमेठी के त्रिसुंडी गांव पहुंची, जहां पर उन्होंने पूरा माजरा जाना। आपको बताते चले कि पूरा मामला 6 मई को मतदान के दिन का है, जहां त्रिसुंडी मतदान केंद्र पर मतदान के दौरान अवैध वोटिंग के विरोध करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हमला बोल दिया, जिसमें कई कार्यकर्ता बुरी तरह से जख्मी हो गए। घायल पक्ष के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, लेकिन पुलिस किसी के दबाव में आकर उल्टा पीड़ित के ही खिलाफ हो गई। पुलिस ने 4 पीड़ितों के घर पहुंचकर घर के सामानों को तोड़फोड़ करने लगे। प्रियंका गांधी ने पीड़ितों को आश्वासन दिलाया कि ये मामला अब मेरा है, इस मामले को अब मैं खुद देखूंगी। पीड़ित पक्ष के घरवाले तथा ग्रामवासियों ने पुलिस द्वारा पीड़ित की हुई सारी घटना की जानकारी दी और वोट से वांछित मतदाताओं ने मतदाता पर्ची प्रियंका गांधी को सौंपी। पीड़ित प्रियंका गांधी के पहुंचने पर ग्रामीणों ने राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। अमेठी से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। अमेठी जिले में अगर किसी को चारागाह की जमीन पर कब्जा करना है तो आराम से कर सकते हैं। मिनी सचिवालय पर अतिक्रमण में कोई रोक टोक नहीं होगी। पंचायत भवन, चारागाह, वृक्षारोपण आदि की भूमि पर अवैध कब्जे के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि वांगी के तौर पर आप जिले के मुसाफिर खाना विकास खंड के गाँव धरोली में देखी, जहाँ विद्यालय की पुरानी बिल्डिंग पर फर्नीचर विक्रेता का कब्जा है। सूत्र बताते हैं कि इसका किराया एक जिम्मेदार को जाता है, लेकिन कोई भी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन के लोगों से शिकायत की, लेकिन शिकायत के बावजूद भी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि सरकारी लापरवाही के तौर पर एक इमारत गांव में दिख रही है। वहीं जब इस मामले को लेकर CDO अमेठी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकारी बिल्डिंग पर अवैध कब्जा करना गैर कानूनी है, जल्दी बिल्डिंग को खाली करवाया जाएगा। अमेठी से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें UP लाइव 100 न्यूज़।